कार्यक्रम रंग तरंग में आपका स्वागत है और अभी आपसे रूबरू हो रहा है आपका ये दोस्त शमीम खान। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं बशीर बद्र साहब के लिखे हुए एक शेर से। आप लिखते हैं, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस कली में जिंदगी की शाम हो जाए। चरागे इश्क जलाने की रात आई है, चरागे इश्क जलाने की रात आई है, किसी को अपना बना जलाने की रात आई है। वो आज आए हैं महफिल में चांद रोशनी में नहाने की रात आई है, कि रोशनी में नहाने की रात आई है, किसी को अपना बनाने की रात आई है, चरागे इश्क जलाने फलक का चांद भी शर्मा के मुंह छुपाएगा, फलक का चांद भी शर्मा के मुंह छुपाएगा, नकाब रुख से नकाब रुख से उठाने की रात आई है, किसी को अपना बनाने की रात आई है, चरागे इश्क जलाने की रात आई है। निगाह साकी से पहलू छलक रही है शराब, निगाह साकी से पहलू छलक रही है शराब, पियू के पीने पिला पीने पिलाने की रात आई है, किसी को अपना बनाने की रात आई है, चरागे इश्क जलाने की रात आई है, किसी
किसी को अपना बनाने की रात आई है। दोस्तों, मोहब्बत और इश्क में इल्जाम कभी कभी बहुत खूबसूरत सा एहसास देता है तो कभी कभी दर्द भी। ये दोनों ही स्थितियां कवियों और शायरों के लिए एक तरीके से रचनात्मक जमीन तैयार करती हैं। एहसास चाहे दर्द भरा हो या फिर रोमांटिक, शायरों के अल्फाज हमारे दिल पर एक तरीके से दवा का काम करते हैं। हमारे दिल की आरजू, हमारे दिल की क्या तमन्ना है, इस पर शायरों ने खूब लिखा है। हमारी अगली गजल इसी पर बेस्ड है। आइए सुनते हैं ये गजल हमसे क्या कह रही है। दिल की ये आरज़ू थी कोई दिलरुबा मिले, दिल की ये आरज़ू थी कोई दिलरुबा मिले। लो बन गया नसीब के तुम हमसे आ मिले, दिल की ये आरज़ू थी कोई दिलरुबा मिले। एक इशारे की जहमत तो दीजिए, कदमों में दिल बिछा दूं इजाजत तो दीजिए, हमको गले लगा लूं जो हम आपका मिले। दिल की ये आरज़ू थी कोई दिलरुबा मिले, दिल की ये आरज़ू थी कोई दिलरुबा मिले। हमने उदासियों में गुजारी
छोड़ कर हम आज तक खड़े हैं उसी दिल के मोड़ पर। हमको इस इंतजार का कुछ तो सिला मिले, हमको इस इंतजार का कुछ तो सिला मिले। दिल की ये आरज़ू थी कोई दिलरुबा मिले, दिल की ये आरज़ू थी कोई दिलरुबा मिले। सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम चल रहा है रंग तरंग, बस हाजिर होता हूँ एक छोटे से ब्रेक के बाद। देश भर के शानदार ट्राइबल आर्ट, क्राफ्ट और क्विजीन को दिल्ली में लेकर आया है आदि महोत्सव। 10 से 18 फरवरी सुबह 11 से शाम 8 बजे तक आदिवासी गौरव और कल्याण के लिए समर्पित प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में ट्राइफेड और जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित इस आदि महोत्सव में होगा आदिवासी कलाकारों के हस्तशिल्प का एग्जीबिशन, विभिन्न प्रकार के श्री अन्न मिलेट्स और अन्य फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, आदिवासी भाइयों और बहनों द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रम। आइए आदि महोत्सव, मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम, इंडिया गेट, प्रवेश निःशुल्क। टीचर के मन में परीक्षा का कालखंड है। अगर टीचर और स्टूडेंट का नाता परीक्षा के कालखंड का है तो सबसे पहले वो नाता करेक्ट करना चाहिए। देश भर के शानदार ट्राइबल आर्ट, क्राफ्ट और क्विजीन को दिल्ली में लेकर आया है आदि महोत्सव। 10 से 18 फरवरी सुबह 11 से शाम 8 बजे तक आदिवासी गौरव और कल्याण के लिए समर्पित प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में ट्राइफेड और जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित इस आदि महोत्सव में होगा आदिवासी कलाकारों के हस्तशिल्प का एग्जीबिशन, विभिन्न प्रकार के श्री अन्न मिलेट्स और अन्य फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, आदिवासी भाइयों और बहनों द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रम। आइए आदि महोत्सव, मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम, इंडिया गेट, प्रवेश निःशुल्क। हरियाणा सरकार का ये है नारा, हर जन हो खुशहाल हमारा। तुम भी सुनो और सबको सुनाओ, दवाई के साथ आर्थिक सुरक्षा पाओ। जी हाँ, अब हरियाणा सरकार HIV पीड़ित व्यक्ति, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो या बच्चा, जिसकी आय 2 लाख से कम है, उन्हें हर महीने 2,250 रुपए की आर्थिक सहायता दे रही है। पर ध्यान रहे, पीड़ित व्यक्ति हरियाणा का निवासी हो और निरंतर दवाई ले रहा हो। जीवन को मिलेगी खुशियों की दिशा जब योजनाओं से मिलेगी सामाजिक सुरक्षा। वित्तीय सहायताओं के लिए अपने नजदीकी सरकारी अस्पताल के ART सेंटर पर संपर्क करें। HIV एड्स से संबंधित अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1097 पर कॉल करें। हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। उनको ये शिकायत है कि हम कुछ नहीं कहते, अपनी तो ये आदत है कि हम कुछ नहीं कहते। मजबूर करता है ये दिल जबां को तो, कुछ ऐसी ही हालत है कि हम कुछ नहीं कहते। कहने को तो बहुत कुछ था अगर कहने पे आते, दुनिया की इनायत है कि हम कुछ नहीं कहते। कुछ कहने पे तूफान उठा लेती है दुनिया, अब इस पे कयामत है कि हम कुछ भी नहीं कहते। आकाशवाणी दिल्ली का गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम चल रहा है रंग तरंग, जिसमें हम और आप मिलकर गजलों की महफिल सजा रहे हैं। तो अगली गजल पेशे खिदमत है। क्या टूटा है अंदर अंदर, क्यों चेहरा कुमलाया है, क्या
क्या टूटा है अंदर अंदर, क्यों चेहरा कुमलाया है, क्या टूटा है अंदर अंदर, क्यों चेहरा कुमलाया है। तन्हा तन्हा रोने वाले, कौन तुम्हें याद आया है, क्या टूटा है अंदर अंदर, क्यों चेहरा कुमलाया है। तन्हा तन्हा रोने वाले, कौन तुम्हें अंदर अंदर, क्यों चेहरा कुमला। चुप के सुलग रहे थे, चुप के सुलग रहे थे, याद में उनकी दीवाने, चुप के सुलग रहे थे, याद में उनकी दीवाने। एक तारे ने टूट के यारो, एक तारे ने टूट के यार, क्या उनको समझाया है, क्या टूटा है अंदर अंदर, क्यों चेहरा कुमलाया है। तन्हा तन्हा रोने वालों, तन्हा तन्हा रोने वालों, कौन तुम्हें याद आया है, क्या टूटा है अंदर अंदर, क्यों चेहरा कुमलाया। रंग बरंगी इस महफिल में, रंग बरंगी इस महफिल में, तुम क्यों इतने चुप चुप हो। रंग बरंगी इस महफिल में, तुम क्यों इतने चुप चुप हो। भूल भी जाओ पागल लोगों, भूल भी जाओ पागल लोगों, क्या खोया क्या पाया है, क्या टूटा है अंदर अंदर, क्यों चेहरा कुमलाया। तन्हा तन्हा रोने वाले, तन्हा तन्हा रोने वाले, कौन तुम्हें याद आया है, क्या टूटा है अंदर अंदर, क्यों चेहरा कुमलाया। शेर
कहाँ है, खून है दिल का शेर कहाँ है, खून है दिल का जो लफ्जों में बिखरा है, शेर कहाँ है, खून है दिल का जो लफ्जों में बिखरा है, दिल के जख्म जला कर हमने, दिल के जख्म जला कर हम महफिल को गरमाया है, क्या टूटा है अंदर अंदर, क्यों चेहरा कुमलाया है, तन्हा तन्हा रोने वाले, तन्हा तन्हा रोने वाले, कौन तुम्हें याद आया है, क्या टूटा है अंदर अंदर, क्यों चेहरा कुमलाया है, शहजाद ये झूठ न बोलो, अब शहजाद ये झूठ न बोलो, वो इतना बेदर्द नहीं, अब शहजाद ये झूठ न बोलो, वो इतना बेदर्द नहीं, अपनी चाहत को भी परखो, अपनी चाहत को भी परखो, गर इल्जाम लगाया है, क्या टूटा है अंदर अंदर, क्यों चेहरा कुमलाया, तन्हा तन्हा रोने वाले, तन्हा तन्हा रोने वाले, कौन तुम्हें याद आया है, क्या टूटा है अंदर अंदर, क्यों चेहरा कुमला, ना पूछ तेरी मोहब्बत पाने को हमने क्या क्या पढ़ डाला, तेरी चिट्ठियां हर किताब और मोहब्बत का हर एक रिसाला, तुझको बुलाया
आकाशवाणी गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर हाजिर होता हूँ एक छोटे से अंतराल के बाद। देश भर के शानदार ट्राइबल आर्ट क्राफ्ट और क्विजीन को दिल्ली में लेकर आया है आदि महोत्सव। 10 से 18 फरवरी सुबह 11 से शाम 8 बजे तक आदिवासी गौरव और कल्याण के लिए समर्पित प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में ट्राइफेड और जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित इस आदि महोत्सव में होगा आदिवासी कलाकारों के हस्तशिल्प का एग्जीबिशन, विभिन्न प्रकार के श्री अन्न मिलेट्स और अन्य फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, आदिवासी भाइयों और बहनों द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रम। आइए आदि महोत्सव, मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम, इंडिया गेट, प्रवेश निःशुल्क। हरियाणा सरकार का ये है नारा, हर जन हो खुशहाल हमारा। तुम भी सुनो और सबको सुनाओ, दवाई के साथ आर्थिक सुरक्षा पाओ। जी हाँ, अब हरियाणा सरकार HIV पीड़ित व्यक्ति, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो या बच्चा, जिसकी आय 2 लाख से कम है, उन्हें हर महीने 2,250 रुपए की आर्थिक सहायता दे रही है। पर ध्यान रहे, पीड़ित व्यक्ति हरियाणा का निवासी हो और निरंतर दवाई ले रहा हो। जीवन को मिलेगी खुशियों की दिशा जब योजनाओं से मिलेगी सामाजिक सुरक्षा। वित्तीय सहायताओं के लिए अपने नजदीकी सरकार अस्पताल के ART सेंटर पर संपर्क करें। HIV एड्स से संबंधित अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1097 पर कॉल करें। हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी। देश भर के शानदार ट्राइबल आर्ट क्राफ्ट और क्विजीन को दिल्ली में लेकर आया है आदि महोत्सव। 10 से 18 फरवरी सुबह 11 से शाम 8 बजे तक आदिवासी गौरव और कल्याण के लिए समर्पित प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में ट्राइफेड और जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित इस आदि महोत्सव में होगा आदिवासी कलाकारों के हस्तशिल्प का एग्जीबिशन, विभिन्न प्रकार के श्री अन्न मिलेट्स और अन्य फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, आदिवासी भाइयों और बहनों द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रम। आइए आदि महोत्सव, मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम, इंडिया गेट, प्रवेश निःशुल्क। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। जा चांद
तेरा अक्स अपने दिल में उतारा है हमने। इन तन्हाइयों से उबरने के लिए अक्सर वक्त बेवक्त सन्नाटों को पुकारा है हमने। तेरे आमद की जैसे ही खबर मिली हमें, घर आंगन आज अपना संवारा है हमने। तेरी चाहत ने हमको कहीं का ना छोड़ा, तेरी चाहत ने हमको कहीं का ना छोड़ा। खुद ही सुकून चैन भी अपना हारा है हमने। ये बातें झूठी बातें हैं, ये बातें झूठी बातें हैं, ये लोगों ने फैलाई हैं। ये बातें झूठी बातें हैं, ये लोगों ने फैलाई हैं। तुम इंशा जी का नाम न लो, तुम इंशा जी का नाम न लो, क्या इंसा जी सौदाई है। ये बातें झूठी बातें हैं, ये लोगों ने फैलाई हैं। ये बातें जमाने में क्यों इश्क है रुसवा बेचारा, है और भी वजहें वहशत की, इंसान को रखती दुखियारा। हाँ बेकल बेकल रहता है हो पीत में जिसने दिल हारा। पर शाम से लेकर सुबह तलक यूं कौन फिरे है आवारा। ये बातें झूठी बातें हैं, ये लोगों ने फैलाई हैं। ये
अगर इश्क किया है तब क्या है, क्यों शाद नहीं आबाद नहीं। जो जान लिए बिन टल ना सके, ये ऐसी भी उफ्ताद नहीं। ये बात तो तुम भी मानोगे, वो कैस नहीं फरहाद नहीं। क्या हिज्र का दारू मुश्किल है, क्या फसल के नुस्खे याद नहीं। ये बातें झूठी बातें हैं, ये लोगों ने फैलाई हैं। ये बातें जो हमसे कहो हम करते हैं, क्या इंशा को समझाना है। उस लड़की से भी कह लेंगे, वो अब कुछ और जमाना है। या छोड़ें या तकमील करें, ये इश्क है या फसाना है। ये कैसा गोरख धंधा है, ये कैसा ताना बाना है। ये बातें झूठी बातें हैं, ये बातें झूठी बातें हैं। ये लोगों ने फैलाई हैं, तुम इंशा जी का नाम न लो, तुम इंशा जी का नाम न लो। क्या इंशा जी सौदाई हैं, ये बातें झूठी बातें हैं। ये लोगों ने फैलाई हैं, ये बातें। मोहब्बत में नहीं है फर्क जीने और मरने का, उसी को देख कर जीते हैं जिस काफिर पे दम निकले।
बुन रहे है दिल ख्वाब दम बदम वक्त ने किया क्या हंसी सितम तुम रहे न तुम किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम तू मुझसे खफा है तो जमाने के लिए आ दोस्तों कार्यक्रम रंग तरंग से आपका ये दोस्त शमीम चाहता है विदा